जो अस्पताल है यहाँ फायर इक्विपमेंट सही नहीं है, सही नहीं है। एक तो मरीज यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता तो कैसे वो होगा? उतना पानी है ना, जहाँ पाइप रखे जाते हैं वहाँ किसी हेलमेट रखे, किसी ने जुराब रखे हुए हैं। नहीं ऐसा यहाँ तो नहीं, आपको नोटिस दे रखा है फायर फायर सर्विस वालों ने, उसके नहीं बावजूद तो भी हम नहीं हमने तो फायर स्टेशन वाले के लिए, मैं बता दूं आपको, मैं 28 का हमारा प्रपोजल पास हो गया है, 28 नए पावर फायर से लगाने के और 22 भरने के हमने आदेश दे दिए हैं। एक दो दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। 22 भरने के दिए हैं, 28 नए खरीद के लगाने के दिए हैं, 50 का हमारा प्राविधान है जो फायर स्टेशन वालों ने हमें दिया है कि 50 होने चाहिए। 28 का हमारा हो गया है और 22 का रिफिलिंग का होना है। रिफिलिंग 22 हो रखे हैं और 3 साल के लिए रिफिलिंग होती है और 28 नए खरीद के लगवा रहे हैं। अभी मैं 7 नंबर डेंगू वार्ड के सामने गया, वहाँ तो किसी ने जो जहाँ पाइप रखे थे ना, किसी ने हेलमेट रखे हुए, किसी ने जुराब रखे हुए, अपना सामान रखा हुआ पाइप वाले जी। नहीं तो कर्मचारी ने नहीं रखा होगा, रखा होगा तो किसी, लेकिन वहाँ तो पाइप होनी चाहिए ना, अपना पानी है पाइपों में, कहाँ पर पानी पाइप नहीं पानी। तो चली नहीं रहा ना, अभी तो वो तो वाइज ना शुरू, कौन सा वाला, पहले पाइप लगे थे ना पहले, हाँ, उसका सिस्टम, उसका टैंकी कहाँ बनाया उन्होंने, उसका टैंक नहीं बनाया है, उसका टैंक नहीं बनाया, उनका टैंक बनाना था, मैंने उनको जगह भी दे दी थी टैंक की जगह प्लेस में, मैंने कहा तुम्हारा खर्चा भी कम लगेगा, उसको आरएनएन ने बनाना था, कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। तो आप जो कंपनी है जिसने वो किया, आपने कुछ उसको, हमने हमने नोटिस भी पकड़ाया, जहाँ छत गिरी थी उसमें भी नोटिस पकड़ाया, उसमें भी मैंने नोटिस पकड़ा रखा है, क्या कहते हैं राष्ट्रीय निर्माण निगम को भाई। जो इसमें जो पाइप है, पाइप में तो एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो फायर स्टेशन में एक पानी का काम करना होता है, पानी से आप एकदम से आग बुझ जाती है, दूसरा होता है ये गैस जो होती है रिफिलिंग, उसमें 22 रिफिल के कर दिए हैं हमने, 28 नए खरीद के लगा रहे हैं हम, और राष्ट्रीय निर्माण निगम के लिए हमने जगह भी प्लेस पर बता दी है, जगह भी बता दिया, हमारे पास टैंक बना हुआ है, उस टैंक को उन्होंने सिर्फ मरम्मत करना है। 10 बार मैं बोल चुका हूँ, नोटिस भी दे चुका हूँ, और आरएन ने कहा कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, टैंक में पानी नहीं है, टैंक में पानी नहीं है। उससे फायर इक्विपमेंट क्या पूरे फुलफिल है हॉस्पिटल में इस वक्त? नहीं, 22 फुलफिल हैं, 28 नए लग रहे हैं, 28 नए लग रहे हैं, नए लग रहे हैं, दो तीन दिन में लग जाएंगे। अच्छा, इतनी बड़ी, इतना बड़ा हादसा हो गया था अभी एम्स दिल्ली में, दिल्ली में तो कितना कितना नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने 28 का प्राविधान पहले से कर रखा है, वो परिषद कमेटी में पास करना पड़ता है, हमारे तो हर चीज़ परिषद हम डेली थोड़ी नहीं करा सकते हैं, परिषद में 28 का नए का प्राविधान रखा है, 22 रिफिलिंग करा के रखे हुए हैं, 22 हैं हमारे पास इसमें जो रिफिलिंग किए हुए हैं, लेकिन 28 नए लगने हैं, वो प्राविधान 2-4 दिन में लग जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर। कब तक हो पाएगा? 2-3 दिन के अंदर लग जाने के, हमने ऑर्डर देना है ठेकेदार को, ठेकेदार जिससे ठेका हुआ है उसको लगाएगा।